Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. सोहर की नमाज पढ़कर जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो सोचा कि क्यों ना बाजार से कुछ फल लेता चलूं। भावताव करते खरीदारों और दुकानदारों के बीच मेरी नज़र फलों की एक रेड़ी पर पड़ी, जिस पर फल तो रखे हुए थे लेकिन कोई फल फरोश नहीं था। रेड़ी के साथ एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर मोटे मोटे लफ्ज़ों में एक तहरीर आवेज़ा थी। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ को फालिज हो चुका है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना खिलाना पड़ता है और दवाई देनी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो आप खुद अपनी मर्ज़ी से फल तोल लें और पैसे रेड़ी के कोने में रखे मैगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही फलों के रेट भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे ना हों तो मेरी तरफ़ से ये फल हदिया समझ कर ले जाएँ। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मैंने इधर उधर देखा, पास रखे तराजू पर 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाले और गत्ता उठाया। वहाँ 10, 20, 50, 100, 1000, 500 के नोट रखे हुए थे, जो मुझसे पहले आने वाले गाहक खुद ही शायद फल तोलने के बाद वहाँ रख गए होंगे। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा कि शायद मेरी तरफ कोई मुतवज्जह हो, लेकिन हर कोई अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ था। मैंने भी पैसे वहीं रख दिए और फल लेकर घर चला आया। जब मैंने घर जाकर यह सारा मामला अपने भाई को बताया तो वो भी बहुत हैरान हुआ। मगरिब के बाद हम दोनों दोबारा उसी जगह गए जहां वो रेड़ी खड़ी थी। हमने खाकी शलवार कमीज में मलबूस एक बारिश आदमी को देखा, जिसकी दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद और थोड़ी सियाह थी। वो रेड़ी को धक्का लगाते हुए बस वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक हमें देखकर वो रुक गया। वो मुस्कुराकर हमसे मुखातिब हुआ और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गया है। हमने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम खादिम हुसैन है। फिर हमने अपना तारुफ करवाया और उसे एक चाय के ढाबे पर ले गए। चाय पीते पीते उसने हमें बताया कि मेरी वालदा पिछले 3 सालों से बिस्तरे मर्ग पर हैं। कुछ परेशानियों के बायस वो डिप्रेशन में चली गईं और उन्हें फालिज हो गया। मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है और हमारी कोई औलाद नहीं है। मेरा और मेरी माँ का इस पूरी दुनिया में एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है। मैं अपनी माँ की देखभाल के लिए किसी को रख नहीं सकता, मैं खुद ही उनकी खिदमत करता हूँ। वो अपना कोई काम खुद से नहीं कर सकती, उन्हें उठने बैठने तक के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन जब मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा था तो मैंने बहुत नरमी और आजिज़ी के साथ उससे एक सवाल पूछा, माँ तेरी खिदमत का, तेरी ईमानदारी का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, मगर एक तू है जो मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देती। इस पर मेरी माँ ने कहा, बेटा तू बाहर जाता है तो मेरा जी घबराता है, तू ही बता मैं अकेले इस हालत में क्या करूं। मैंने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ ना तो मैं बनी इसराइल की कौम से हूँ कि मुझ पर मनोसलवा उतरेगा, और ना तू मूसा अलैहिस्सलाम की माँ है, अब तू ही बता मैं घर कैसे चलाऊं। इस सवाल पर मेरी माँ ने हांपते कांपते तरद्दुद करते हुए उठने की कोशिश की और मैंने तकिया ऊंचा करके उन्हें बिठा दिया। मेरी माँ ने अपने खूबसूरत झुर्रियों वाले हाथों से एक प्याला बनाया और अल्लाह के हुजूर खामोशी से
एक दुआ मांगी। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।